गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 31 अगस्त 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन की वेबसाइट और इन सभी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग कर दें। और चैनल पर आप नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, ऑन विच डे इंटरनेशनल न्यूक्लियर टेस्ट प्रोहिबिशन डे वाज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस मनाया गया है? तो ये सही जवाब है 29 अगस्त। 29 अगस्त को ही संयुक्त राष्ट्र सभा के पहल पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस मनाया जाता है। सबसे पहली बार यह दिवस 2010 में मनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र के पहल पर ये मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है ये तो इसी से स्पष्ट है आप लोग को, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस इसी से स्पष्ट है। फिर भी देखिए, परमाणु हथियार का परीक्षण विस्फोटकों या किसी अन्य बुरे प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसके द्वारा परमाणु हथियार बनाने और इसका परीक्षण तथा इसके गलत उपयोग पर रोक लगाया जा सके, यही उद्देश्य है इस दिवस का। क्योंकि परमाणु जो भी हथियार है कितने विशालकाय और कितने घातक होते हैं, आप लोगों को सब इतिहास में भी इसका बहुत सारा उदाहरण है। जैसे 6 और 9 अगस्त का नागासाकी और हिरोशिमा जो शहर है जापान का, उसका दिवस भी ऐसे मनाया जाता है। इसी माह में हम लोगों ने देखा भी था, तो वो परमाणु बम का ही वो घातक विस्फोट था, कितनी क्षति हुई थी जानमाल की। तो इसी को रोकथाम के लिए, इस तरह के हथियार को और बढ़ावा ना मिले, परीक्षण ना हो, इसी के रोकथाम के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहल पर मनाया जाता है, तो उसके बारे में भी देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस स्थापना 24 अक्टूबर 1945, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है USA में, और इसके सेक्रेटरी जनरल महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, और इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। 13 अगस्त को क्या मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया गया है। क्या होता है इसमें, स्पष्ट होगा ही आप लोग को, पिछले क्लासों में भी इसको चर्चा हुआ है। विश्व अंगदान दिवस इसमें होता क्या है, कोई भी इंसान अपनी स्वेच्छा से यह घोषणा कर सकता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर के महत्वपूर्ण कुछ अंग जो हैं कार्यरत हैं कार्य में हैं उसको निकाल लिया जाए और किसी अन्य जरूरतमंद को शरीर में लगाया जाए, जिससे कि उसका भी जीवन जिंदगी बच पाए। शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग जैसे यकृत, लीवर कहते हैं, गुर्दे जिसे किडनी कहते हैं, हृदय, फेफड़ा, अग्नाशय जिसे पैनक्रियाज कहते हैं, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं जिसको निकाला जा सकता है और किसी अन्य की जिंदगी उसे बचाया जा सकता है। तो विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त। 14 अगस्त को क्या हुआ, तो भारत सरकार द्वारा एक नया दिवस मनाने का घोषणा इस वर्ष 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लिया गया है। क्या है, आइए टेक्स्ट फॉर्म में देख लेते हैं इसको। देखिए, विभाजन भयावह स्मृति दिवस, यह दिवस मनाने का फैसला सरकार ने किया है 14 अगस्त को। अगले 14 अगस्त से यह दिवस विभाजन भयावह स्मृति दिवस मनाया जाएगा। ये एक्चुअली में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय का रूपरेखा, और उस समय जो उसमें अपने जान गंवाने वाले, अपनों को खोने वाले सभी लोगों को उचित श्रद्धांजलि देने के लिए और आगे आने वाले पीढ़ी इसको समझ पाए कि क्या दर्द और क्या दुख रहा होगा विभाजन के समय, चाहे वो पाकिस्तानी लोग हों या हिंदुस्तानी लोग हों, आखिर बटे तो यहीं से थे। तो उसी के स्मृति में विभाजन भयावह स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को अब मनाया जाएगा। अगला है, 12 अगस्त को क्या हुआ, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। इसका थीम थोड़ा लंबा है, देख लीजिए यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, ये इसका थीम है और ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। चलिए आप लोग बताइए,
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? काफी मेरी इजी प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग बताएं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और किनके जन्मदिवस पर वो मनाया जाता है, ये भी आप लोग बताएं। वेरी इजी है, आप लोग को मालूम होगा ही, बस कमेंट में मार दीजिए। तो चलिए, इस प्रश्न से हम लोग इतने सारे फैक्ट्स और ऑप्शंस, ऑप्शंस में भी इतने सारे फैक्ट्स हम लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूँ ये इस तरह से क्लास आपको पसंद आई होंगी। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कौन सी स्वदेश निर्मित तटरक्षक पोत का अनावरण किया गया है? ये है विग्रह। केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह है। इन्हीं के द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेश निर्मित तटरक्षक पोत विग्रह का अनावरण तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया और इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तटरक्षक क्षेत्र में पूर्व में निगरानी के लिए रखा जाएगा। तो इसका नाम है विग्रह, इसका अनावरण किया गया है और किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो उसके बारे में देखते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड अर्थात भारतीय तटरक्षक बल स्थापना 1 फरवरी 1977। और हम लोग आईसीजी डे दिवस कब मनाते हैं? हम लोग भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? इसी के स्थापना दिवस जो है 1 फरवरी को मनाया जाता है। महानिदेशक इसके कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, के नटराजन, कई बार पूछा गया है एग्जाम में हाल फिलहाल के। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। आईएनएस राजपूत ये क्यों न्यूज में रहा है? तो भारतीय नौसेना का पहला युद्धपोत विध्वंसक यही है आईएनएस राजपूत। इसको सेवामुक्त कर दिया गया है, न्यूज में इसलिए रहा था। ये पहला है भारतीय नौसेना का पहला युद्धपोत विध्वंसक है आईएनएस राजपूत। अब ये डी कमीशन कर दिया गया है, सेवामुक्त हो गया है। आईएनएस तबर ये क्या है? तो आईएनएस तबर भारतीय नौसेना पोत है ये भी आईएनएस तबर। इसको अभी हाल ही में एक नौसेना अभ्यास हुआ है, किसके साथ? तो इतालवी नौसेना जो है उसके साथ भारतीय नौसेना का अभ्यास हुआ है, उसी में आईएनएस तबर शामिल करके किया गया था। इसी के साथ वो सैन्य अभ्यास किया गया है और यह अभ्यास भूमध्य सागर में किया गया है। इतालवी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना अपने इस आईएनएस तबर के साथ नौसेना अभ्यास किया है। आईएनएस करंज क्या है? और ये सभी देखिए, तार एजुकेशन का यही है, मैं यही करता हूँ यहाँ कि प्रश्न जैसे होते हैं ऑप्शंस भी उसी से आधारित। अब समझ लीजिए, ऐसे प्रश्न और ऐसे ये चीज सर्च करना, इसको कलेक्ट करना, उसे डाटा कलेक्ट करना कितना आसान या टफ रहता होगा, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। ये जो भी मैंने ऑप्शन में रखा है सब करंट न्यूज से रिलेटेड है, इसी प्रश्न पर आधारित है, ताकि आपको इस तरह के प्रश्न से जो भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं रिपीट भी हो जाए, रिविजन हो जाए और परीक्षा में न छूटे। आईएनएस करंज क्या है? तो भारतीय नौसेना में एक साइलेंट किलर के नाम से जाना जाने वाला ये पनडुब्बी है आईएनएस करंज, इसको शामिल किया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बीईएमएल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अमित बनर्जी। ये पहले से भी थे, इधर न्यूज में फिर से इनको न्यूज में आए हैं, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अमित बनर्जी, तो इनको बीईएमएल अर्थात क्या होता है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल, इसी के एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं अमित बनर्जी। बीईएमएल इसका स्थापना 1964 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और चेयरमैन और एमडी वही अमित बनर्जी ही हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखिए। अजय कुमार भल्ला, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसमें ध्यान से देखिएगा। अजय कुमार भल्ला ये भारत सरकार में क्या है? गृह सचिव हैं, गृह सचिव हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए फिर से बढ़ाया गया है, तो न्यू अपॉइंटमेंट में ये न्यूज में आ गया, तो इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। अब चलिए कुछ भारत सरकार में कुछ महत्वपूर्ण सचिव पोस्ट पद पर जो हैं वो देख लिया जाए, क्योंकि उसमें से निश्चित एग्जाम्स में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाता है, खासकर बैंकिंग वालों के लिए में और अन्य एग्जाम्स में भी पूछे ही जाते हैं। तो अजय कुमार भल्ला ये गृह सचिव हैं, इनका कार्यकाल बड़ा है। कुछ और महत्वपूर्ण सचिव के बारे में देख लेते हैं, उनका लिस्ट लाया हूँ मैं यहाँ। अजय कुमार भल्ला गृह सचिव हैं और कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार, और वो थे अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव में भल्ला लगा हुआ है और केवल अजय कुमार हो तो ये रक्षा सचिव हैं, ध्यान देंगे इसको। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, वित्त सचिव टीवी सोमनाथ हैं और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला वही हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सचिव के लिस्ट मैंने यहाँ दिया है, इसमें से जरूर आपको किसी न किसी शिफ्ट में एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान देंगे। स्क्रीनशॉट उसका आप बैक करके ले लीजिएगा, ऐसे पीडीएफ टायर एजुकेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, वहां से जाकर
इसको पुनः आप पढ़ सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म में इस करंट अफेयर्स को। क्वीज भी, क्वीज अभी रोका गया है, क्वीज 1 वीक बाद से क्वीज भी आने लगेगा, पहले आता था अभी रोका हुआ है लैक ऑफ हैंड्स के कारण, आगे आएगा। पीडीएफ अभी फिलहाल और टेक्स्ट फॉर्म में सभी उपलब्ध है, आप वहां से जाकर इसका फायदा जरूर उठाएं। रेखा शर्मा ये कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में पुनः इनको नियुक्त किया गया है अगले 3 वर्ष के लिए। तो NCW अर्थात राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन या वुमेन काउंसिल, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अगले 3 वर्ष के लिए, फिर से रेखा शर्मा। और अभी महिला, और ये राष्ट्रीय महिला आयोग ये आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, दीपक दास ये कौन है? तो हाल ही में लेखा महानियंत्रक CGA, अर्थात इसको टेक्स्ट फॉर्म में देख लीजिए, थोड़ा ज़्यादा देखकर ज़्यादा आसान होता है आपके लिए। लेखा महानियंत्रक CGA अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इसी पोस्ट पे नियुक्त किए गए हैं दीपक दास। और एक और पोस्ट होता है, पद होता है कैग, जिसे आप लोग शॉर्ट में कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये कौन है अभी? GC मुर्मू है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, GC मुर्मू है। और GC मुर्मू जो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल ये GC मुर्मू ही थे, ये भी ध्यान देंगे, लेकिन अब हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चलिए दीपक दास ये इस पोस्ट पर 25वें क्रम के लेखा महानियंत्रक हैं। चलिए हो गया, और ये ऑप्शन हो गया। दोस्तों अभी अगले वन वीक के लिए हम लोग MCQs थोड़ा कम ही कम देख रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन एक भी आपका नहीं छूटेगा, जितने जरूरी ऐसे प्रश्न तो बहुत होते हैं, कुछ कुछ चैनल्स वेबसाइट ऐसे ऐसे करंट अफेयर्स देते हैं जो आपका समय टाइम वेस्ट करने के अलावा और कुछ नहीं है। ये मैं वैसे नहीं, उस भावना से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रियली में आपको वो परीक्षा में ऐसे कुछ प्रश्न ऐसे देते दिया जाता है, मैं देखता हूँ बच्चे बताते भी हैं, वो सभी परीक्षा में कभी आएगा भी नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे वही प्रश्न लाया जाता है जो आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, महत्वपूर्ण है, और नहीं तो कम से कम उसमें आपको कुछ ऐसा फैक्ट साथ में बताया जाएगा जो कि आपको GK और स्टैटिक्स के रूप में काम आएगा। तो यहाँ प्रश्न एक भी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, बस MCQ थोड़ा कम ही हम लोग फॉर्मेट में ला रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग वन लाइनर में देखेंगे, और यह जो है मात्र 1 वीक के लिए, आप लोग से मैं गुजारिश करता हूँ बने रहें, 1 वीक बाद सभी प्रश्न MCQs में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, क्वीज भी वेबसाइट पर आने लगेगा और YouTube पर अन्य सब्जेक्ट की क्लास भी आने शुरू होने लगेंगे। तो आप लोग बने रहें टायर एजुकेशन पर, बहुत ही जल्द बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोग को। चलिए अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही अब देखते हैं सभी प्रश्न। एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहनों की समस्या रहित अंतरण के लिए कौन सी नई पंजीकरण प्रक्रिया अपनाई गई है? ये प्रश्न वेबसाइट पर मैं कई रोज पहले दे दिया था, यहाँ नहीं लाया था तो आज ला दिया हूँ। तो ये नई पंजीकरण प्रक्रिया है BH सीरीज। BH सीरीज का मतलब है भारत सीरीज, जैसे हम लोग गाड़ी अब लेते हैं तो BS4, BS6 हम लोग बोलते हैं, तो वही है। BS का वहाँ मतलब होता है भारत स्टेज, 4, 6, 5 तो आया नहीं, डायरेक्ट 6 आया है, तो ये उसी तरह का है। वाहनों का जब ट्रांसफ़र किया जाएगा दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक से दूसरे में, तो उस समय नई पंजीकरण प्रक्रिया अब ये अपनाया गया है BH सीरीज। अब उसमें जब ट्रांसफ़र होगा तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलेगा उसमें ये BH बीच में दिखाई देगा, फॉर्मेट उसका अब चेंज हो जाएगा, तो वही है BH सीरीज अर्थात भारत सीरीज, याद रखेंगे आप लोग। अभी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय के अंतर्गत ये सब काम होता है। कौन है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर? तो ये है नितिन जयराम गडकरी, कहीं कहीं केवल नितिन गडकरी आपको दिखेगा। चलिए अगला है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर का उद्घाटन हुआ है? ये भी एक दो रोज पहले का ही प्रश्न है, मैं यहाँ पे नहीं ला पाया था। तो दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? लद्दाख में, लद्दाख के लेह में एक पलदान क्षेत्र है, वहीं पे 11,562 फीट की ऊंचाई पर, जो कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर वाला ये सिनेमा घर हो गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। और यहाँ -28 डिग्री सेल्सियस में भी यह सिनेमा घर सेवा देने में सक्षम होगा। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन है? RK माथुर, अभी हैं RK माथुर, और यहाँ के सबसे पहले उपराज्यपाल GC मुर्मू थे, जो कि अभी कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल अर्थात CAG हैं, इस पोस्ट पर अभी वो हैं GC मुर्मू अब, लेकिन यहाँ के राज्यपाल RK माथुर हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन, ये तो इस तरह के खेल में मैक्स वर्स्टापेन और लुइस हैमिल्टन, ये तो मुझे लगता है इन लोग का
मतलब जन्मजात, और जब तक ये खेलेंगे आप ये लोग तब तक ये सभी किताब इन्हीं लोग के नाम रहेगा, किसी और को होता ही नहीं है ये। तो इस एक्चुअली इस बार बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2021 जो हुआ है, एक दो टाइप वो गेम हुआ, तब तक बारिश आने के कारण खेल रोकना पड़ा, तो वो बढ़त के आधार पर फिर से इन्हीं को विजेता घोषित कर दिया गया है। और मैक्स वर्स्टापेन बेल्जियम से रेडबुल के रेसिंग ड्राइवर हैं। कहाँ से हैं, किस गाड़ी के ड्राइवर हैं, ये वाला प्रश्न इस तरह से पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग हल्का में नहीं लेंगे। जो भी फैक्ट्स यहाँ दिया जाता है उसको आप लोग ध्यान से जरूर देखेंगे, क्योंकि परीक्षा के हिसाब से ही वो दिया गया रहता है। ये सब एक्सपीरियंस बेस्ड बच्चों के और अपने एक्सपीरियंस बेस्ड ये सब सेट किया जाता है, तो आप लोग इसको टाइम पास कभी ना समझें कि लंबा लंबा ये लिख दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। जो भी दिया जा रहा है आपके परीक्षा उपयोगी ही है, और उस तरह से आते हैं तभी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किसके द्वारा फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। अनुराग सिंह ठाकुर अभी केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब था, कल के क्लास में हम लोग ने चर्चा कर लिया है, फिर भी देखिए आज। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और देश का, अब एक और फैक्ट इसमें है मेजर ध्यानचंद से, कि देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार जो है कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने का फैसला किया है सरकार ने। ये फैक्ट भी, ये वाला पॉइंट अलग से प्रश्न है, इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए अगला है, हाल ही में सरकार ने प्रोफेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी अर्थात PNBSA को एक स्व नियामक निकाय के रूप में मान्यता दिया है। तो ये तो हो गई जानकारी, तो प्रश्न ये है कि वर्तमान में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन NBF के अध्यक्ष कौन है? तो वही अर्णब गोस्वामी, इनको आप लोग पहचानते होंगे, काफी कौन शब्द यूज करूँ, काफी जोरदार और धमाकेदार न्यूज़ पेश करते हैं ये, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैन हैं ये, कहीं भी किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने से पीछे नहीं हटते हैं अर्णब गोस्वामी। इस पर इन पर बीच में कुछ कुछ मुद्दा भी चला था, जेल वगैरह जाने का, वो सब अभी चल ही रहा है। खैर, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष अभी अर्णब गोस्वामी ही हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने भारत नेपाल प्रेषण सुविधा ट्रांसफर, जो पैसे इस देश से उस देश में किए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो पहले 50,000 का सीमा था, उसे बढ़ाकर RBI ने अब कितना कर दिया है, तो 2 लाख रुपए। 1 अक्टूबर 2021 से अब 50,000 का सीमा के बदले 2 लाख तक प्रति ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, ये लिमिट बढ़ा दिया गया है। और 12 ट्रांजैक्शन अधिकतम सीमा जो पहले था, वो भी एक सीमा था, उसको भी अब हटा दिया गया है। 12 से ज़्यादा, एक वर्ष में 12 ट्रांजैक्शन ही किया जा सकता था एक खाते से, अब इसको भी हटा दिया गया है। चलिए, RBI ने ये फैसला लिया है, तो RBI के बारे में देखते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर मुंबई है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, इसका राष्ट्रीयकरण सबसे पहले हुआ था भारत में, उसके बाद 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। पुनः 1980 में 6 अन्य बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण, फिर से नहीं मतलब अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये सभी गैप याद रखेंगे। और गवर्नर कौन है, अभी शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं RBI में। डिप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं RBI में, पहले हैं महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर, और ये नए बने हैं, तो ये सब याद रखेंगे लोग। और नेपाल से संबंधित बात है, तो नेपाल का राजधानी कहाँ है, काठमांडू। और प्रधानमंत्री अभी नए बने हैं, चलिए आप लोग कमेंट में करके इनका नाम, अभी हाल ही में तो बने हैं, याद है कि नहीं कमेंट में आप लोग बताएं। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओनी लेखारा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो वे निशानेबाजी से हैं, स्वर्ण पदक इन्होंने अभी जारी है, पैरालंपिक दो टोक्यो पैरालंपिक 2020 जापान के टोक्यो में ही हो रहा है, जहाँ पे ओलंपिक हुआ था वहीं पे पैरालंपिक 2020 भी किया जा रहा है, तो अभी ये जारी है, आज है 31 अगस्त, अभी ये खेल वहाँ पे जारी है। तो इसी में स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने, ये पहले भारतीय महिला बन गई हैं स्वर्ण पदक जीतने वाली पैरालंपिक खेलों में, और किस खेल से संबंधित हैं, तो निशानेबाजी में, और उसी में ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं स्वर्ण पदक जीतने वाली, और इसमें कुछ खास तो नहीं है। चलिए, और एक और बात दोस्तों, देखिए कितना खुशी होता होगा, मैं न्यूज़ में रोज देख रहा हूँ, कल से मेडल्स आने शुरू हो गए हैं पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा, तो प्रत्येक को, चाहे वो स्वर्ण पदक जीता हो, रजत पदक हो, कांस्य हो,
जो भी खिलाड़ी जो भी पदक जीत रहा है प्रत्येक को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत रूप से सबको फोन करके उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, उसे खुशी जाहिर कर रहे हैं कि देश का गर्व है आप लोग पर। और देखिए कितना गर्व का बात है, और उस खिलाड़ी को कितना मनोबल बढ़ा होगा, कितनी खुशी हुई होगी कि देश का प्रधानमंत्री फोन पर उसको बधाई दे रहे हैं। काफी इमोशनल पल रहा होगा वो उन लोगों के लिए, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए किसी भी खेल क्षेत्र में आप लोग हो, किसी में भी अगर अगर इंटरेस्ट है तो उसमें भी आना चाहिए। देखिए ओलंपिक गेम जो अभी हुआ है, एकमात्र हम लोग के देश में स्वर्ण पदक आया है। अन्य देशों में देखिए मेडल्स की झड़ी लगी हुई है, और देश में हम लोग के देश में मात्र 7 मेडल्स ही आए हैं, जिसमें एकमात्र स्वर्ण पदक था, 2 रजत था, बाकी 4 कांस्य था। तो हालांकि इसका हम लोग चर्चा किए हैं। चलिए ये रहा बात, कुछ मोटिवेशनल भी था, इमोशनल भी था, और उत्साह वर्धक भी था। चलिए अगला देखते हैं। तो ये याद रखेंगे आप लोग, अवनी लेखारा किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। और है टोक्यो पैरालंपिक, इस अभी कुछ प्रश्न ऐसे ही होंगे अभी यहाँ से एक दो। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निषाद कुमार रजत पदक जीते हैं, वे किस खेल से संबंधित है? तो हाई जंप से, ऊंची कूद से। नेक्स्ट है, हाल ही में विनोद कुमार के द्वारा टोक्यो पैरालंपिक गेम में ही कांस्य पदक जीता गया है, वे किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो से। नेक्स्ट, भावना पटेल उसी में टोक्यो पैरालंपिक 2020 अभी जारी है जापान के टोक्यो में, इसमें भी उन्होंने भी रजत पदक हासिल किया है। इनका जब मैच हो रहा था सुबह में, अर्ली मॉर्निंग में हो रहा था, मैं टीवी पर लाइव देख भी रहा था, इन्होंने फाइनल में जाकर कुछ पॉइंट से पीछे रह गई, अब इनको रजत पदक मिला। और रजत पदक जीतने वाले भी पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं टेबल टेनिस के क्षेत्र में और इस खेल प्रतिस्पर्धा में। तो ये हैं भावना पटेल, टेबल टेनिस से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है? 30 अगस्त को। देश में जितने भी छोटे कारोबारी हैं, उद्योग हैं, उनका उत्साह बढ़ाने, उनको उनके विकास के लिए, उनको अन्य सहायताएं और देने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 30 अगस्त को, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्यूलेटर QSIM टूल किट लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया गया है, क्या है ये पॉइंट में मैं इसको बना के लाया हूँ, देखिए, और ये भारत का पहला है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर। ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है अभी, राजीव चंद्रशेखर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या होता है, ये एक QSEM वेब आधारित अनुप्रयोगी प्रयोगों और अन्य वितरित प्रणालियों की मापनीयता और मात्रात्मक मूल्यांकन करने के लिए एक मॉडल आधारित दृष्टिकोण है। ये आविष्कार डॉक्टर लॉयड डी विलियम्स और डॉक्टर कोनी यू स्मिथ द्वारा सॉफ्टवेयर प्रदर्शन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विकसित किया गया था। और भी ये सब कुछ है, ज़्यादा ये भी पढ़ सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने इसमें से तीन प्रमुख बैंकों के MD एंड CEO का कार्यकाल बढ़ाया है। इसमें से PNB का चर्चा मैं कल ही कर चुका हूँ, फिर से बाकी जो है देखिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO नए बनाए गए हैं, कार्यकाल इनका बड़ा है, AS राजीव कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्थापना 16 सितंबर 1935, हेडक्वार्टर पुणे है। और पंजाब नेशनल बैंक, इसको मैंने कल भी बताया था, SS मल्लिकार्जुन राव कार्यकाल इनका भी 2 साल के लिए बढ़ गया है। PNB का स्थापना 19 मई 1894, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और इसका टैगलाइन है द बैंक द नेम यू कैन बैंक अपॉन। चलिए नेक्स्ट है, यूको बैंक, इसका भी अतुल कुमार गोयल हैं MD CEO, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। यूको बैंक का स्थापना 6 जनवरी 1943 में, हेडक्वार्टर कोलकाता है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का। हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका जवाब आप लोग बताएं, पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं, कमेंट में जरूर इसका जवाब आप लोग दें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका तब तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज का क्लास क्लोज करते हैं यहीं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।